कोरोना के खतरे के बीच में हिल स्टेशंस पर इस वीकेंड पर क्या हाल है? भगवान के दर्शन को आए लेकिन महामारी के संकट को क्यों भक्त भूल गए? आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट्स पर इस वीकेंड पर सख्ती दिख रही है। देहरादून से मसूरी जाने के रास्ते में अब कई जगहों पर चेकिंग हो रही है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट भी जरूरी कर दिया गया है। मसूरी में शनिवार और रविवार को टू व्हीलर्स की एंट्री भी बैन कर दी गई है। मसूरी के बाजारों तक तो इस बार एहतियात दिख रहे हैं, लेकिन यहीं के कैंप्टी फॉल के पास कोरोना प्रोटोकॉल का भी अभी बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, न ही ज्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखा है। यहां पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा है। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में काफी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ गिने चुने लोग ही मास्क में दिखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जैसे बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। कुछ लोगों ने कैमरे पर गलती मानी तो कुछ अलग अलग बहाने बनाते नजर आए। माउंट आबू के नक्की लेक पर कोरोना नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। यहां पहुंचे टूरिस्ट मास्क के बिना और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर घूमते फिरते दिख रहे हैं। तीसरी लहर के गंभीर होते संकट के बीच भी ऐसी लापरवाही को लेकर जब लोगों से सवाल किया तो कई टूरिस्ट या तो बहाने बनाते रहे या फिर उल्टे बहस पर उतर आए। लोनावाला के टाइगर पॉइंट पर इस बार पिछले शनिवार के मुकाबले स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। पिछले शनिवार को टाइगर पॉइंट पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन इस वीकेंड पर पुलिस ने यहां पर लोगों को आने नहीं दिया है। टाइगर पॉइंट पर सन्नाटा है। TV9 भारतवर्ष पर पिछले हफ्ते दिखाई गई खबर के बाद स्थानीय प्रशासन इस बार धारा 144 लगाकर चौकस है। पिछले वीकेंड पर जुटी भीड़ को देखते हुए लोनावाला के बुसी डैम से पुलिस ने भीड़ को हटा दिया है। लोनावाला में धारा 144 लग गई है। पुलिस यहां पहुंचने वालों को डैम के पास से दूर हटाती दिखी। फिर भी कुछ लोग यहां भी कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करते नजर आए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन करती हुई नजर आई। ज्यादातर श्रद्धालुओं के चेहरे पर मास्क निर्धारित है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तो जैसे कोई सोच भी नहीं रहा हो। TV9 भारतवर्ष ने जब कोविड प्रोटोकॉल की इस सरेआम अनदेखी पर बात की तो लोग अलग अलग बहाने बनाते नजर आए। किसी ने प्रसाद खाने के लिए मास्क हटाने का दावा किया तो कोई सॉरी बोलकर आगे बढ़ गया। घाटी में गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर पिछले कुछ दिनों से जुड़ रही भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन अब सतर्क है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वीकेंड पर यहां टूरिस्टों के आने की मनाही है, लेकिन फिर भी नियमों का उल्लंघन होता दिख रहा है। हिमाचल के डलहौजी में इस वीकेंड पर पर्यटक पहुंचे जरूर हैं, लेकिन पिछले वीकेंड के मुकाबले लगभग 50% भीड़ ही नजर आ रही है। पिछली बार दिखी अव्यवस्था से सबक लेकर डलहौजी पुलिस इस बार कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस पर्यटकों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी रखने के लिए जागरूक करती भी दिखी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।